फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे लंग्स के बारे में। पिछले लेक्चर में अपन ने जो है श्वसन मार्ग के बारे में पढ़ा था कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टू पार्ट से बना होता है। एक तो श्वसन मार्ग था, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और जो सेकंड था वो लंग्स था। तो इस लेक्चर में अपन बात करेंगे लंग्स के बारे में कि लंग्स क्या होता है, कहाँ पर स्थित होता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले जो लंग्स होता है वो ह्यूमन में वन पेयर लंग्स जो है वो वक्षीय गुहा के अंदर थोड़ा सी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। और जो लंग्स होते हैं वो टू मेम्ब्रेन्स का बना हुआ होता है, यानी कि जो लंग्स होता है वो बाहर दो मेम्ब्रेन जो है उसके द्वारा ढका हुआ होता है, जिसको अपन प्लूरल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन्स होती है यानी कि दो झिल्लियों का बना होता है, इन दोनों झिल्लियों को अपन प्लूरल मेम्ब्रेन्स बोलते हैं, है ना। तो फर्स्ट जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको अपन पेराइटल प्लूरा बोलते हैं, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसको अपन विसरल प्लूरा यानी कि आंतरांगी प्लूरा जो है उसको अपन बोलते हैं। अब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन इन दोनों के मध्य में एक कैविटी पाई जाती है, नेरो कैविटी, जिसको अपन प्लूरल कैविटी बोलते हैं। ये जो प्लूरल कैविटी होती है, इस प्लूरल कैविटी के अंदर प्लूरल फ्लूड भरा हुआ होता है। जो प्लूरल फ्लूड क्या करता है, लंग्स की सरफेस पर जो घर्षण होता है उस घर्षण को कम करता है। क्या करता है प्लूरल फ्लूड, लंग्स की सरफेस पर जो घर्षण होता है उसको कम करता है, यानी फ्रिक्शन को कम करता है। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि जो प्लूरल फ्लूड होता है उसमें जीवाणु का संक्रमण बढ़ जाता है। जीवाणु का संक्रमण बढ़ने से प्लूरल फ्लूड बढ़ जाता है। प्लूरल फ्लूड जब बढ़ जाता है तो जो जंतु होते हैं यानी कि जो स्तनधारी होते हैं उनको श्वास लेने में प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम आने लग जाती है तो इसको अपन एक डिजीज़ का नाम दिया गया है, प्लूरसी डिजीज़। इसको अपन प्लूरसी डिजीज़ या प्लूरल इफ्यूजन डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, कब बोलते हैं यानी कि अब पूछ ले कि प्लूरेसी डिजीज जो है वो क्या होती है, तो जीवाणु के संक्रमण से प्लूरल फ्लूड जब बढ़ जाता है तो जंतु को श्वास लेने में प्रॉब्लम होती है। इसको अपन प्लूरेसी डिजीज या प्लूरल इफ्यूजन डिजीज बोलते हैं। प्लूरल फ्लूड जो है, अब इस ये जो प्लूरल फ्लूड होता है उसमें आउटर परत है ना, एक तो आउटर बाहर की तरफ जो प्लूरल फ्लूड होता है वो वक्षी परत के संपर्क में होता है ना, और जो इनर की तरफ जो लंग है ना जो फ्लूड होता है वो लंग्स के संपर्क में होता है। ठीक है, ये तो स्वाभाविक बात है। अब यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाया गया है कि जैसे ये लंग्स दे रखा है ना, दो मेम्ब्रेन्स दिखाई गई है यहाँ पे, पतली पतली आपको दिख रही होगी, इनको अपन बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, अब ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन्स होती है जो इनर वाली है इसको अपन विसरल प्लूरा, और जो आउटर वाली मेम्ब्रेन है इस है ना ये वाली इसको अपन ये आउटर वाली मेम्ब्रेन है इसको अपन बोल रहे हैं पेराइटल प्लूरा। क्या बोल रहे हैं, पेराइटल प्लूरा। पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा इन दोनों के बीच में जो कैविटी है इसको अपन प्लूरल कैविटी बोलते हैं, और इस कैविटी के अंदर जो फ्लूड होता है उसको अपन प्लूरल फ्लूड बोलते हैं। ठीक है, अब ह्यूमन जो है ना उसके अंदर जो लंग्स होते हैं, दो लंग्स होते हैं, राइट लंग और एक होते हैं लेफ्ट लंग, यानी वन पेयर लंग्स होते हैं। राइट लंग जो होता है वो 625 ग्राम का होता है, और जो लेफ्ट लंग होता है वो 575 ग्राम का होता है ना। जो राइट लंग होता है वो मतलब कि उसका जो वेट होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और इसके अंदर थ्री लोब्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। थ्री लोब्स में एक तो अपर लोब जिसको अपन एंटीरियर लोब भी बोलते हैं, मिडिल लोब, और एक होता है पोस्टीरियर या लोअर लोब। ठीक है, और जो लेफ्ट लंग होता है उसमें टू लोब होते हैं, लेफ्ट या लेफ्ट एंटीरियर जिसको अपन अपर लोब बोलते हैं, और लेफ्ट पोस्टीरियर जिसको अपन लोअर बोलते हैं। यहाँ पे दे रखा है ये राइट लोब लंग है, इसमें थ्री लोब दे रखे हैं, दो और तीन है ना, ये थ्री लोब आपको दिख रहे होंगे। ये वाला मिडिल लोब है, ये अपर लोब है, और एक लोअर लोब है। ठीक है, और ये जो राइट लंग है इसके अंदर दो लोब दिख रहे हैं आपको, ये अपर लोब है और एक लोअर लोब। ठीक है, अब ये जो लोब होता है, ठीक है, तो ये जिसके द्वारा डिवाइड होता है इसको अपन ओब्लिक फिशर बोलते हैं, और इसमें ये वाला जो फिशर है वो एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एक और लोब दे रखा है इसको अपन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर, है ना, ये जो फिशर होता है इसको अपन हॉरिजॉन्टल फिशर बोल रहे हैं। उसके बाद में जो मनुष्य होता है उसमें राइट लंग और लेफ्ट लंग होते हैं, इन दोनों में राइट लंग में थ्री लोब्स, राइट लंग थ्री लोब्स से और लेफ्ट लंग जो होता है वो टू लोब्स से मिलकर बना होता है ना। तो ये दोनों लोब्स, अब ये जो लोब्स होते हैं वो मिलकर के ये जो अनेक योजी उत्तक होते हैं उन योजी उत्तक के द्वारा पालिकाओं में डिवाइड होते हैं। अब ये जो पालिकाएं होती है वो अनेक मतलब प्रत्येक पालिका, एक एक पालिका वायुकोष्ठ एयर सेक्स में डिवाइड होती है। अब ये प्रत्येक एयर सेक्स जो होते हैं वो थ्री से
4 एल्विओलाई या कोशिकाओं के अंदर डिवाइड होते हैं। अब ये जो एल्विओलाई होती क्या है, ये जो होती है लंग्स की इकाई अपन एल्विओलाई बोलते हैं, ठीक है। अब जो दोनों लंग्स होते हैं उसमें ऑलमोस्ट 300 मिलियन एल्विओलाई जो है प्रेजेंट होते हैं। 300 मिलियन एल्विओलाई अगर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं तो इनका जो क्षेत्रफल होता है, आंतरिक क्षेत्रफल, वो लगभग होता है 70 से 100 मीटर स्क्वायर। इसका आंतरिक क्षेत्रफल होता है किसका, एल्विओलाई का। कितने एल्विओलाई जो है लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, 300 मिलियन एल्विओलाई जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसका आंतरिक क्षेत्रफल ऑलमोस्ट जो होता है वो 70 से 100 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब एल्विओलाई जो है उसकी लेयर्स जो 2 लेयर्स होती हैं, जो बाहरी या आउटर लेयर होती है उसको अपन येलो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू जो है उससे मिलकर बनी होती है, या फिर इसको अपन येलो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। प्रत्यास्थ तंतु में योजक, और जो इनर लेयर होती है वो सरल शल्की उपकला सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम या की बनी होती है, इसको अपन न्यूमोसाइट्स भी कहते हैं। अब ये जो न्यूमोसाइट्स होता है वो 2 पार्ट, मतलब कि इसमें जो न्यूमोसाइट होता है वो अलग अलग न्यूमोसाइट होते हैं। न्यूमोसाइट फर्स्ट जो है वो गैसों का विनिमय करने में हेल्प करता है, और न्यूमोसाइट सेकेंड जो होता है वो यह करता है लेसिथिन नामक फॉस्फोलिपिड्स का सिक्रेशन करता है। अब ये जो फॉस्फोलिपिड्स होता है, ये फॉस्फोलिपिड्स सर्फेंट जो है सर्फेक्टेंट की तरह कार्य करता है और कोशिकाओं को पिचकने से रोकने का कार्य करता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि इसकी जो इनर लेयर होती है एल्विओलाई की, है ना, इनर लेयर जो होती है वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बनी हुई होती है, और ये इसको अपन न्यूमोसाइट भी कहते हैं, और ये न्यूमोसाइट अलग अलग टाइप के होते हैं। तो न्यूमोसाइट फर्स्ट जो है ना, जो यहाँ पे दिखाया गया है, वो गैसों का विनिमय करता है, और सेकेंड जो है न्यूमोसाइट सेकेंड लेसिथिन नामक फॉस्फोलिपिड्स का सिक्रेशन करता है। ये फॉस्फोलिपिड्स क्या करता है, सर्फेक्टेंट की तरह कार्य करता है और कोशिकाओं को पिचकने से बचाता है। एल्विओलाई की जो भित्ती होती है उसके अंदर बहुत सारे सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं। इन सूक्ष्म रंध्रों को अपन कुहन के छिद्र यानी कि पेयर्स ऑफ कुहन बोलते हैं, ठीक है। अब ये सूक्ष्म रंध्र क्या काम करते हैं, तो गैसों के विसरण को सरल बनाते हैं, ठीक है। अब स्तनधारियों के जो लंग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इसमें दे रखा है सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, स्पंजी होते हैं, इसमें सेंट्रल कैविटी एब्सेंट होती है, मसल्स एब्सेंट होती हैं, और स्वयं सिकुड़ने तथा फैलने की क्षमता रखते हैं, यानी कि सकल लंग्स जो है उसमें मतलब एब्सेंट होते हैं, यानी कि इसमें सिकुड़ने और फैलने की जो क्षमता है वो अपने आप प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर इस लेक्चर में अपन लंग्स के बारे में डिस्कशन किया है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे थोरासिक केज के बारे में, ठीक है।